हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू क्लासिफाई इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब बोलो सर, आपने तो पहले ही बता दिया कि अगर हमने गुड्स को खरीदा हो फॉर कंजम्पशन पर्पस, फॉर कैपिटल फॉर्मेशन तो फाइनल गुड्स, और फॉर खरीदा हो फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन तो इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ, आपकी बुक्स में दोबारा से एक्सप्लेन है, तो मैं भी एक और वीडियो बना रहा हूं। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं ये पहले। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द प्रोडक्ट। क्या आप यूज ला रहे हैं उसका, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, फाइनल यूज पर डिपेंड करता है। एक ही चीज किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकती है और दूसरे के लिए फाइनल। एग्जाम्पल, शुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स। यानी अगर जो मिठाई वाला है ना, स्वीट मैन्युफैक्चरर, स्वीट शॉपकीपर, वो अगर शुगर खरीद रहा है तो वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज करेगा, तो उसके लिए हो गया इंटरमीडिएट। लेकिन अगर कंज्यूमर ले रहा है तो फाइनल गुड्स। ऐसे ही डेयरी वाला अगर मिल्क रीसेल के लिए ले रहा है तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। लेकिन अगर कंज्यूमर ले रहा है तो फाइनल गुड्स। सो ये डिपेंड करेगा कि एंड यूज क्या है। अगर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट है, याद है, then it's a final goods, and अगर resale further production है वो भी same year में, then it's intermediate goods। बस इतना ही है। जो बात मैंने पहले बताई थी, इस वीडियो के शुरू में बताई, वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। अभी नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से, नहीं इसमें तो कोई डाउट ही नहीं ना, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस हम शुरू से पढ़ रहे हैं। सो ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स आर Not included, क्योंकि वो तो पहले से इनडायरेक्टली इंक्लूड ही है ना। अगर इनको लेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी जिसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। ये वर्ड भूलिएगा नहीं, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, है ना, डबल काउंटिंग। अब अपना वही फ्लोर और क्या कहते हैं वीट वाला एग्जाम्पल लें, तो अगर हम वीट के 700 और फ्लोर के 1000, वो थे ना ऊपर कहाँ गया, ये एग्जाम्पल था। अ मिलर बाइज वीट वर्थ रुपीज 700 एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फ्लोर वर्थ 1000। अगर मैं 700 और 1000 दो काउंट करूं, 1700 रुपए नेशनल इनकम में जोड़ दूं, तो डबल काउंटिंग होगी ना। एक्चुअली जो बंदा 1000 रुपए का माल बेच रहा है उसने 700 में तो खरीदा ही है ना। इफेक्टिवली वैल्यू एडिशन तो 300 ही है, तो 700 और 300 1000, तो इसलिए 1000 रुपए एक ही बंदे का काउंट कर लेंगे फ्लोर का, और जो ये है वीट, इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मान के इसको छोड़ देंगे, राइट। चलिए वापस वहीं चलता हूं जो मैं आपकी बुक में जहां पढ़ा रहा था। सो आउट ऑफ वीट एंड फ्लोर ओनली फ्लोर इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, एज वैल्यू ऑफ फ्लोर ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ वीट विच इज इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप इट इज वेरी मच इजी। नाउ एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो ये कि अगर शॉपकीपर के पास जो माल बेचने के लिए पड़ा है वो पूरा नहीं बिका, तो क्लोजिंग स्टॉक को फाइनल गुड्स मान लेते हैं। यानी कि जो इट शुड बी ऑलवेज रिमेंबर्ड दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन द सेम ईयर, मींस दे आर आइदर सोल्ड और कंज्यूम्ड इन द सेम ईयर। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दोबारा ध्यान से सुनिए। इंटरमीडिएट गुड्स आर आइदर यूज्ड और कंज्यूम्ड और सोल्ड इन द सेम ईयर, लेकिन अगर वो पड़े रह गए तो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर हम उसको उसी साल में काउंट करते हैं। ये कंसेप्ट है, तीसरी बार बोल रहा हूं ताकि अच्छे से याद हो जाए। सपोज एक शॉपकीपर ने माल खरीदा बेचने के लिए, वो नहीं बिका, भी बचा रह गया, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक में काउंट होके वो बेसिकली फाइनल गुड्स बन जाएगा। उसकी वैल्यू फिर हम फाइनल गुड्स में काउंट कर लेंगे नेशनल इनकम के कंपटीशन पर्पस के लिए, राइट। जो कंज्यूम हो गया वो ठीक है, ऐसी फैक्ट्री में भी जितना माल कंज्यूम हो गया ठीक है, जो बच गया, जो कुछ भी बच गया, वो फाइनल गुड्स में काउंट होगा, राइट। Now suppose X Limited purchases 10 tons coal for making glasses. Only 7 tons are used. तो 7 तो हो गए intermediate, और जो remaining 3 tons हैं, they will be treated as final goods and will be included in national income. तो ये concept है कि जो भी unsold item है, non-consumed item है, at the end of the year, उसको हम national income में count कर लेते हैं। क्लासेस हमारी ngpclasses.com पे है। अब हम चलते हैं डिफरेंस के ऊपर, final goods versus intermediate goods. Final goods. फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज विच आर यूज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, सब पहले से पढ़ा हुआ है, फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन, ये क्या होता है, दिस इज इंटरमीडिएट गुड्स, नहीं। नेक्स्ट, दे आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम,
है ना, दे आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, दे आर नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल और डोमेस्टिक, यानी बेसिकली दे आर नाइदर इंक्लूडेड, नहीं जोड़ते भाई इनको, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं जोड़ते, डिमांड, दे हैव ए डायरेक्ट डिमांड, है ना, जबकि दे हैव ए डेराइव डिमांड। याद है मैंने बताया था कि जो फाइनल गुड्स की डिमांड होगी उसी के हिसाब से हम इंटरमीडिएट गुड्स खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर तो वही चीज बनाएगा ना जिसकी फाइनल डिमांड होगी, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होंगे उनकी डेराइव डिमांड होगी, फाइनल डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं अब अलग से तो कोई मतलब जो है बैटरी नहीं खरीदेगा ना, माना अब कार के अंदर बैटरी लगती है, खैर ये एग्जांपल मेरा इतना अच्छा नहीं बैठ रहा क्योंकि अलग से भी खरीदते हैं लोग कार की बैटरी बाद में, बहुत कम बिकता है लेकिन, है ना, ऐसे ही मान लेते हैं कार के अंदर कोई भी पार्ट लगता है, सपोज उसके डोर में कोई हैंडल लगना है, अब अलग से तो बहुत कम रेयरली हैंडल जो है वो बिकते होंगे, यूजली कार में जो हैंडल है वो चल ही रहा है, उसका क्या होना है। तो अब वो जो मैन्युफैक्चरर ऑफ हैंडल्स है वो तो इंटरमीडिएट गुड्स ही बना रहा है ना, वो तो मैन्युफैक्चरर को ही बेचेगा, उसको तो डायरेक्ट कस्टमर से उसका कोई ज्यादा लिंक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं जो आप मैन्युफैक्चर करो, तो यानी कि आपकी डिमांड फाइनल गुड्स की डिमांड पर डिपेंड करेगी, अगर कार की डिमांड बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, यानी आपके प्रोडक्ट्स की। सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैव ड्राइव डिमांड एंड दे डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ द फाइनल गुड्स, दिस इज वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। जहां तक वैल्यू का सवाल है, दे आर रेडी फॉर यूज फॉर देयर फाइनल यूज, सो नो वैल्यू इज टू बी एडेड, इसमें वैल्यू एडिशन नहीं है, जबकि यहां पर सम वैल्यू इज टू बी एडेड, इसमें वैल्यू एडिशन होता है। आपको याद हो ना वही 700 और 1000 वाला एग्जाम्पल, हमें बार बार स्क्रॉल अप एंड डाउन नहीं कर रहा, तो 700 वाले में 300 रुपए वैल्यू एड हुई थी ना, तभी तो एक बंदे ने 700 रुपए का वीट खरीदा और फ्लोर बनाया, तो कुछ मेहनत की ना, काम किया उसने, उस बात के लिए वो 300 रुपए महंगे में उसको बेच रहा है, 700 रुपए में उसने वीट खरीदे, गेहूं खरीदे, आटा बेच रहा है 1000 में, तो 300 वैल्यू एडिशन है। बट फाइनल गुड्स में तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं ना, फाइनल गुड्स का मतलब ही फाइनल है, बस अब बेचना है। लेकिन इंटरमीडिएट का मतलब वही मैंने कहा था ना, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस से फाइनल गुड्स, माल बन के बिक रहा है तो वैल्यू एडिशन हो रहा है ना। आपको ध्यान होगा प्रोडक्शन बाउंड्री वाला एग्जांपल, उसमें भी सबसे पहले क्या शुरू हुआ था, कॉटन, फिर आया थ्रेड, फिर आया क्लॉथ, तो वैल्यू एडिशन हो रहा है। सो इंटरमीडिएट गुड्स में हमेशा वैल्यू एडिशन होता है, जब एक बार वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, है ना। सो यहां पर वही है अगला पॉइंट, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, है ना, जबकि दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। नेचुरली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बोलते हैं उसको जो विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, एक बार क्रॉस हो गया तो कंज्यूमर के हाथ में चले गया। एग्जाम्पल्स तो कितने ही बनाए जा सकते हैं, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स फॉर कंजम्पशन, कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, ये तो हम बोलेंगे ही नहीं कभी भी, फाइनल गुड्स आंख भी बंद करके बोलेंगे तो एकदम ध्यान आना चाहिए, यस फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, फॉर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, और इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है, फॉर रीसेल फॉर द प्रोडक्शन, बस दो इधर दो इधर, एकदम शीशे की तरह क्लियर करके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, है ना। अब आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 18 पॉइंट जो है वो आपको दिए हुए हैं, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इन 18 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।